बॉलीवुड के हिट फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मुंबई की सड़कों पर सब्जियां खरीदती दिख रही हैं। इलियाना अकेले ही यहां सब्जी वाले से मोल भाव करती दिखी। इसी बीच जब फोटोग्राफर इलियाना के पास पहुंचे तो उन्हें सब्जी खरीदने में कोई झिझक नहीं हुई। चौंकाने वाली बात यह थी कि कई फिल्मों में काम कर चुकी इलियाना के साथ यहाँ न सब्जी वाला और न ही कोई आम आदमी सेल्फी खिंचाने के लिए आया। इलियाना लंबे टाइम तक डिप्रेशन के दौर से गुजर चुकी हैं। इससे जूझते हुए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। एक इंटरव्यू में इलियाना ने खुद कहा था, मैं हमेशा से एक बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस रही हूँ। मैं हर समय खुद को कमजोर और दुखी महसूस करती थी। मुझे इसका पता तब तक नहीं चला जब तक मुझे ये जानने में मदद नहीं मिली डिसमॉर्फिक बीमारी से पीड़ित हूँ। हालांकि बाद में सब बदला और मैंने खुद को स्वीकार किया, तब सब कुछ बदल गया। इलियाना बॉडी डिस्फोर्मिया नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में शरीर का शेप बिगड़ जाता है, जिससे शरीर की बनावट अलग सी दिखने लगती है। इलियाना की कमर के नीचे का हिस्सा थोड़ा ज्यादा बड़ा है। इलियाना इसे ढीले ढाले कपड़ों में छिपाती भी है। इस बीमारी के बारे में खुद 2017 में उन्होंने बताया था कि 15 सालों से वे इस बीमारी का शिकार हैं। इलियाना ने कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट की थी। इसके कैप्शन में उन्होंने क्रेडिट बॉयफ्रेंड एंड्रयू निबैन को देते हुए उन्हें हबी यानी हस्बैंड लिखा था। इलियाना के इस पोस्ट के बाद से ये कयास लगाए गए कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली है, लेकिन इस पर उन्होंने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। आपको बता दें, पहले भी इलियाना और निमोन के ऑस्ट्रेलिया में गुपचुप तरीके से शादी करने की खबरें आ चुकी हैं।